खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव की, जहां पर बीते दिनों पुलिस कप्तान ऑफिस के गेट के बाहर खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास करने वाली युवती इलाज के दौरान हेलेट अस्पताल में अपनी जिंदगी की अंतिम लड़ाई को हार चुकी है। वहीं आपको बता दें कि किशोरी के दाह संस्कार के बाद परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दलों के बड़े नेता। पीड़िता के घर पहुंचे अखिलेश यादव ने पुलिस में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि क्या पुलिस पीड़िता की मौत का इंतजार कर रही थी। पीड़ित ने थाने से लेकर मुख्यमंत्री तक के न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन पीड़िता को न्याय क्यों नहीं मिला। अंत में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। हम आरोपी सब पकड़े गए, हमारे यही आरोपी के जान चला गया, हमका शासन यही देंगे 5 लाख की चेक देंगे, वो हमारे साथ में कहते हैं, हम सब जो कुछ हो सब साथ देंगे और उनका जैसे जो प्रयत्त गए हाँ लड़की गई है वही पर एक किस तरह की सजा चाहते हैं कि जो मुलजिम मेन रहा है उसको चाहिए फांसी और ये लोगों को यहाँ सजा काटे। लगभग कितने दिनों तक आप पुलिस और प्रशासन के चक्कर लगाते रहो, आपकी किसी ने बात नहीं सुनी। हाँ 3 महीना लड़की दौड़ी है, 3 महीना लड़की दौड़ी है, आग दिन बात नहीं सुने। कोई अन्न जल सब कुछ तक दिन है, जन्ने दिन इनका विरोध इनके बात सुन ली नहीं, तो पूरी रात सोई नहीं है, कहूँ सब्जी काटी रही, कहूँ मसाला बांटी रही, कहीं बिटिया पारो तो हमका नींद नहीं आवती है। ये पेट भर रोटी 3 महीना नहीं खावा है, देहा दौड़त दौड़त दौड़त, आज ये मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं, आज वही DM CDM कहाँ जा रहे हैं, आज हुआ CO कॉलोनी में जा रहे हैं, कहूँ कहूँ जा रहे हैं, इनका सब कोनो कोनो यह कह रहा जाओ यहाँ नहीं है, इनका इतने दिन होएगा उतने दिन वो होएगा, उनका यह करते हमें जब यह हमें चिंतन चिंतन। जिस दिन से घटना है उसके बाद के प्रशासन का क्या रवैया है, किस तरीके से आपको आश्वासन दे रहे हैं अभी तक, क्योंकि एक ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। वही है तक ऊपर से सरकार दे रहा है, वही दिन 3 दिन कह रहे हैं कि 3 दिन में एक जना पता नहीं को कहे कि 11 दिन में मुलजिम सब गिरफ्तार हो जी हैं, तो फिर SDM साहब कह रहे हैं कि नहीं 3 दिन में गिरफ्तार हो जी। एक पीड़ित जिसके साथ गलत व्यवहार हुआ और वो न्याय के लिए लड़ते लड़ते उसने अपनी जान दे दी, और उन्नाव की दूसरी घटना है हाथ मत हिलाओ, जो बेटी अपने लिए न्याय मांग रही थी, सरकार उसे न्याय नहीं दे पाई, अंतोगत्वा उसको पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी के जाकर के उसे आत्मदाह करना पड़ा। ये आईडिया हटाओ थोड़ा, ये दुर्भाग्य है देश का कि बेटी को और बहन को न्याय नहीं दिला पा रहा है शासन प्रशासन। और तब जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती हो कि सबसे ज्यादा हमारी कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की कि बेटियों को न्याय देंगे, हम उनसे जानना चाहते हैं कि एक बेटी ने एक परिवार ने उसने इतनी दरखास्तें लिखी हैं, कोई जगह नहीं छूटी जहां पर उसने ये न कहा हो कि मुझे न्याय मिल जाए। पुलिस के जो छोटे अधिकारी रहे होंगे उन तक ले गई अपनी बात, बड़े अधिकारी उन तक बात गई, और दरखास्त तो यहां ये भी है कि मुख्यमंत्री तक भेजी गई। बताओ मुख्यमंत्री तक अगर बात पहुंचे और उसे न्याय नहीं मिले, धक्का मत भैया, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा। और जब मैं उन्नाव आ रहा था इस बेटी के परिवार से मिलने, तभी अखबारों में पढ़ा कि एक बनारस में भी बेटी को न्याय नहीं मिला, उसे भी आत्मदाह करना पड़ा, वो भी अस्पताल में है। ये लगातार इस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं, और सरकार भेदभाव कर रही है। सरकार जो चला रहे हैं भाई धक्का मत दो, वो अन्याय देख रहे हैं अन्याय। अभी तक तो हम ये कहते थे कि जात देख करके इलाज होता है, जात देख करके FIR दर्ज होती है, पता नहीं पुलिस को क्या हो गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, और क्यों ना हो जाइए। आप मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनिए विधानसभा में क्या कहते हैं, विधानसभा में कहते हैं ठोक दो भाई, बदला ले लीजिए, इनकी सरकार में किसी को न्याय नहीं मिलेगा। ये परिवार
को हमने भरोसा दिलाया है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं उनके साथ हैं, उनके इस दुख दर्द में हम साथ खड़े हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए लगातार हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे।